हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोल्डी सिंह और आज मैं आपको फोटो फ्रेम बनाना सिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, ये स्टैंड कैसे बनाया है और इस पे जो ये काट करके छोटे छोटे पेज ये किस तरीके से लगाया है, मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। इस फोटो फ्रेम को बनाने के लिए मैंने पहले से ये कुछ बना के रख लिया है ताकि समय की बचत हो सके। ये जो कार्टून के डब्बे आते हैं उस पे अपने फोटो के हिसाब से जो हमारा फोटो जिसमें लगाना है उसके नाप लेकर के ये हमने कट कर लेंगे। अपने आवश्यकता अनुसार आप काट सकते हैं। इसे काटने के बाद दो हम ऐसे काटेंगे, दो में एक में तो ऐसे बिल्कुल ये व्हाइट पेज चिपका करके रख लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो कार्टून के जो डब्बे आते हैं उस पे मैंने ये कट किया है और फिर इसी का नाप जो ये वाला है इसी के नाप ये दूसरा वाला भी कटेगा। इसमें बीच से ये काट करके निकाल दिए हैं और इस पे व्हाइट पेज इस पे भी चिपका दिए हैं। पहले इसे तैयार कर ली है ये इस फ्लावर को बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्लावर कैसे बनाया है मैंने। जो इसकी चौड़ाई है मैं ऐसे कट कर लेंगे, पट्टी एक ले लेंगे। जो इसकी चौड़ाई है 2 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 7 इंच है। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, फिर इसको पलट करके फिर इसको हम एक बार ऐसे एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे करके इसी तरीके से हम एक बार इधर से फिर एक बार इधर से ऐसे कर करके हमें यहाँ तक दो इसी तरीके से फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दो फोल्ड करके इस तरीके से रख लिए। अब इसको हमें ये क्या करना है, हमें बिल्कुल बीच बीच से इसको हम ऐसे फोल्ड ऐसे मोड़ लेंगे इस तरीके से। इसको हम ऐसे इसको भी हम ऐसे फोल्ड करके मोड़ लेंगे, बीच से बिल्कुल बीच से मोड़ना है ऐसे। और जो इसमें छोटा बड़ा थोड़ा सा दिख रहा है इसे हम छाट के हटा देंगे, यहाँ से ये कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इसके एक साइड में हम ऐसे फेविगम लगाएंगे यहाँ पे और इसको चिपका देंगे ऐसे इस तरीके से। ये जब चिपक जाएगा तो ठीक, हम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, इसमें भी हम लगाएंगे ऐसे फेविगम, फिर इसको भी हम इस तरीके से चिपका देंगे, फिर इसके इस साइड में भी हम लगाएंगे ऐसे। पहले से हम फ्लावर को तैयार कर लेंगे पूरा, फिर इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे। तो फिर हम इस पे इस तरीके से ये छोटा सा फ्लावर लेकर के हमने बना के पहले से रख लिया है ये। अब इसमें हम थोड़ा सा इसके पीछे फेविगम लगाएंगे, देखिए फ्रेंड्स इसको बिल्कुल ये हम ऐसे बराबर कर लेना है इस चीज को, थोड़ा सा इस पे ऐसे रखेंगे और जल्दी जल्दी जो है ये साइड साइड से जो दिख रहा है बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इस तरीके से कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, ये चिपकने के बाद ये इस तरीके से इसका छोटा फ्लावर ही मैंने तैयार कर लिए। अभी तैयार करने के बाद जो भी इस पे चिपकाना है ये मुझे इस पे जो किरकिरी लगाना है पेज का, इसलिए हम जो ये चिपकाएंगे इस तरीके से, ये हम इसको कैसे कट किए ये बताएंगे आपको। कई तरह का पेज लेकर के रंग बिरंगे पेज लेकर के उसको हम पतले 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 इस तरीके से कट कर लेंगे बीच से इस तरीके से। अब कई पेज एक साथ लेकर कैसे कट कर सकते हैं, फिर इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे ऐसे। इसी तरीके से ये हमने सारा कट करके रखा है ये। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम चिपकाएंगे कैसे ऐसे, सबसे पहले फेविगम लगा करके इस पे पहले इस फ्लावर को चिपकाएंगे हम। इसको यहाँ चिपकाने के बाद फिर ये सबके जो भी ये फ्रेम दिख रहा है आप इस पे फेविगम लगाएंगे सब, इसके पूरे पट्टी पे आप फेविगम लगा करके इसके चारों तरफ ये फेविगम लगाने के बाद अच्छे से उंगली की सहायता से इसमें हम पूरा मिला लेंगे चारों तरफ। मिलाने के बाद फिर इस पे हम इस तरीके से इसको लगा देंगे इसके ऊपर। इसको हल्के
हाथ से दबा देंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर के सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फिर सूखने के बाद हल्के हल्के हाथ से इस पर झाड़ लीजिए, जो एक्स्ट्रा था वो हटा दिए इस पे से। अब इसके बाद से जो ये छोटा वाला फ्लावर बनाया था मैंने, इसको मैं अब यहाँ पे मैं चिपकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जब ये फिर जो नीचे वाला है इसमें छोटे छोटे इसे बना करके, और फिर ये तीन साइड में एक साइड से मैंने लगाया है ताकि इस पर पूरे अच्छे तरीके। अब इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से और इसको दबा देंगे इस तरीके। देखिए फ्रेंड्स, अब ये चीज हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा फोटो फ्रेम बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम फोटो लगाएंगे, ऊपर से लगाएंगे, ऊपर साइड से ये। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फोटो लगा करके अपने फोटो को सेव करके ऐसे सुंदर। देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूरा हमारा फोटो फ्रेम बनके तैयार हो गया। फिर आप यहीं से फोटो फ्रेम को निकाल करके आप कोई और भी चेंज कर सकते हैं इसमें। जब ये स्टैंड इस पे खड़ा रहेगा, इस पे मैंने फेविगम लगा दिया, ये टी आकार में कट करके इसे हमने इस पे भी व्हाइट पेज चिपका दिया है। अब इसको हम इसके पीछे लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से रख के इसको हम इससे चिपका देंगे। आप इसको अपने आवश्यकता अनुसार ऐसे रख करके आप कहीं भी इस चीज को ऐसे रख सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।